हमने गैलेक्सी मोबाइल है मेरे पास J5, हमने उसको मुकम्मल फ्लैश प्रोग्राम कैसे करना है देखिए। सबसे पहले हमने ना उसकी फ़ाइल डाउनलोड कर ली है, जिस बैनरी में वो पहले से फ़ाइल थी उसी बैनरी की हमने फ़ाइल की है, ये देखें। फिर मैंने इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया है। इसके बाद हमने ओडियन खोलना है, अगर आपके पास कोई डिवाइस नहीं है तो आप ओडियन ही खोल लें, क्योंकि सैमसंग गैलेक्सी के तमाम मोबाइल ओडियन से बहुत अच्छी तरीके से फ्लैश हो जाते हैं। ये BL फाइल को सेलेक्ट करना है, पहले पहले यहाँ आ जाए, उसी मॉडल में आ जाए, उसी मॉडल की ये BL लिखा हुआ है, ये वाली बात जो एक्सटेंशन है BL फाइल सेलेक्ट कर ली। इसके बाद हमने AP फाइल को सेलेक्ट करना है, ये मेन फाइल होती है AP फाइल, इसको सेलेक्ट कर लिया। ये थोड़ी सी हैवी फाइल होती है, यानी कि इसकी मेमोरी को ज़्यादा होती है, ये थोड़ा सा टाइम लेगी। आपका सैमसंग गैलेक्सी का मोबाइल ब्रांड का कोई मोबाइल है, आप ओडियन से ये फ्री सॉफ्टवेयर कर सकते हैं, उसे प्रोग्राम या अपग्रेड कर सकते हैं। वो हैंग हो रहा है या स्टार्ट नहीं हो रहा या कोई प्रॉपर फंक्शन काम नहीं कर रहा, सिर्फ आपने जो पहले बैनरी उसमें लगी हुई है, आप फर्ज किया उसमें U1 लगी हुई है, तो आपने U1 लगानी है। अगर U2 या 3 लगी हुई है, वही सेम बैनरी की फाइल ले लगानी है। U2 लगी हुई है और फिर आप U1 की फाइल लगा लेते हैं तो उसे सेट प्रोग्राम तो हो जाएगा, लेकिन फिर वो प्रॉपर ऑन नहीं होगा। बैनरी अप कर सकते हैं, बैनरी को हम डाउन नहीं कर सकते। वर्जन अपग्रेड और डाउनग्रेड होते हैं, जैसे आप के पास अगर फाइल अवेलेबल है, एक एक ही फाइल बैनरी की फाइल है, वो U10 में भी है, 11 में भी है, 9 में भी है, लेकिन बैनरी सेम है, तो आप उसे वर्जन को सेट के वर्जन को नीचे ऊपर कर सकते हैं। देखिए AP के बाद हमने CP फाइल सेलेक्ट करनी है, CP के बाद हमें CS फाइल सेलेक्ट करनी है। सेट को डाउनलोड मोड में ले जाना है और हमने उसका जैसे हमने डाउनलोड मोड में सेट में केबल लगाई तो ये उसने ड्राइवर उठाना शुरू कर दिए, अगर हमारे ड्राइवर पहले से इंस्टॉल्ड है। और यहाँ लिखा आ गया इस एडिट से मीन ये है कि आपका जो सेट है वो प्रॉपर तरीके में से ओडियन के फ्लैश टूल में ऐड हो चुका है। तो आपने सिंपली आपने ड्राइवर जब उठा ले तो आपने सिंपली ऐसे करना है कि स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। इस तरीके से आप 1.5 से 2 मिनट में गैलेक्सी सैमसंग के किसी भी मोबाइल को अपडेट या प्रोग्राम कर सकते हैं। जैसे ये सिस्टम और ये जो सब्ज पट्टी चल रही है ये एंड तक आएगी, आपका सेट रिस्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद आपने सिर्फ नेक्स्ट नेक्स्ट करके ना सेट को डेस्कटॉप तक ले जाना है, आपका सेट बिल्कुल प्रॉपर फंक्शन वर्क करेगा। अगर आपने ये फाइलें BL AP और CP और CS फाइल को प्रॉपर तरीके से बिल्कुल दिया हुआ है और चैट में जो पहले से बैनरी इंस्टॉल है वही उसी बैनरी की फाइल है, U1 है, U2 है, U3 है, U4 है, U6 है, U7 है, उसी बैनरी की फाइल है, और उससे कोई मतलब नहीं है कि भाई अपडेट कौन सी है, एंड्रॉयड वेरियंट 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको फाइल आपको बैनरी चेक करनी है। चलो देखते हैं ये सेट अभी प्रोग्राम हो रहा है, ये अभी हो जाएगा तो इंशाल्लाह ये सेट बिल्कुल प्रॉपर
प्रॉपर चलेगा। ये ओडिन फ्री सॉफ्टवेयर है, इसे आप सैमसंग के तमाम मोबाइल को फ्लैश कर सकते हैं, लेकिन इसे अनलॉक नहीं कर सकते, FRP अनलॉक नहीं कर सकते, कोड रीड नहीं कर सकते, पैटर्न रीड नहीं कर सकते, सिर्फ प्रोग्राम कर सकते हैं। हमारे चैनल पे तमाम डिवाइसेस जो हैं जो सॉफ्टवेयर के लिए यूज़ होती हैं उसके ट्यूटोरियल मौजूद हैं, ऑक्टोपस के, कैमरा टूल के, UMT के, एवेंजर के, वो तमाम प्लेलिस्टें आप देखें। अगर आप बिगनर हैं और मोबाइल सॉफ्टवेयर सीखना चाहते हैं तो एक एक वीडियो देखें, आपको फ़ायदा होगा। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल जाए। ये देखें रीसेट ओके हो गया और मोबाइल भी रीस्टार्ट होके बिल्कुल प्रॉपर ऑन हो गया।